संजना सरकार नामक महिला के ऊपर जानलेवा हमला। सिलीगुड़ी शहर अब नहीं रहा महफूज महिलाओं के लिए, ये कहना है संजना सरकार का। और शहर में लोग भय के स्थिति और माहौल में जीने पे बेबस और मजबूर। आइए इसी से जुड़ा हुआ तथ्यों को देखते हैं, जानते हैं और स्पष्ट तरीके से समझते हैं। तारीख को मैं उत्तरायण में एसआईजी में अपने एक फ्रेंड के घर गई थी, तो डिनर पे, तो मेरी बेटी है जो टोटली फिजिकली मेंटली चैलेंज है, उसको भी साथ लेके हम लोग दोनों माँ बेटी डिनर के लिए गई थी। तो वहाँ पे डिनर करके वहाँ से अराउंड 10:45 हम लोग निकले, 10:45 निकले वहाँ से। जब रोड पे चले तो देखा रात में वो ट्रक्स चलते हैं ना, नो एंट्री वाले, तो ट्रक की बहुत ज़्यादा भीड़ थी। सो इतनी भीड़ थी कि मुझे गाड़ी चलाना मुश्किल हो रहा था। एक हाथ से गाड़ी चलाती हूँ मैं, मेरा तो एक हाथ ऑलरेडी पैरालाइज्ड है। तो मैंने गाड़ी को क्या किया, खपरेल मोड़ से नहीं जाके लेक्सिकन मोड़ से मैंने उतार लिया नीचे, क्योंकि मैं वैसे भी अगर 10 बार जाऊं तो 8 बार लेक्सिकन मोड की तरफ से ही जाती हूँ। वो रास्ता थोड़ा खाली रहता है लेकिन उसमें बहुत सारे स्पीड ब्रेकर। तो हम लोग दोनों माँ बेटी आ रही थी आराम से बात करते हुए, तो बड़ी अच्छी हवा चल रही थी, तो मैंने अपनी तरफ का शीशा भी उतारा हुआ, एसी चल रहा था लेकिन शीशा उतारा हुआ था। हम लोग माँ बेटी दोनों जा रही थी घर वापस, तो लेक्सिकॉन्स के फिर अंदर से जाके टर्न लेके जो रास्ता खपरेल में चढ़ता है, तो वहाँ पे और भी ज़्यादा बम्प। तो धीरे 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 हम लोग दोनों गाड़ी चलाते हुए, आप गाड़ी की स्पीड नहीं उठा सकते। जो लास्ट बम्प है वहाँ पे एकदम अंधेरा है, वहाँ पे कोई लाइट नहीं है और एकदम सुनसान जगह है। तो जैसे मैं लास्ट बम्प को क्रॉस कर रही थी तो एक बाइक आई मेरे सामने, आके ऐसे करके रुक गई। तो मैंने मन मन में सोचा कि आजकल के लड़के दारू पीते हैं, संभाल नहीं पाते हैं, तो मैंने सोचा गाड़ी मतलब मेरे कुछ हुआ है। मैंने मेरे दिमाग में तब भी नहीं आया, क्योंकि 25 साल से मैं सिलीगुड़ी में रहती हूँ, मेरे साथ कभी आज तक कोई ऐसी बात नहीं कि मैं आपको बोलूँ कि मेरे साथ हुआ है, कभी किसी ने नज़र उठा के नहीं देखा। तो उतनी देर में एक लड़का एकदम लाइटनिंग स्पीड में आया मेरे पास, तो मेरे मुंह से निकला की होलो। तो उसने ऐसे करके मेरे को सिर्फ इतना बोला, वीडियो चलाएगी। मैम, जैसे कि आपने बताया ऑफलाइन हम लोगों के साथ वार्तालाप के समय में, कि वो लड़का जो आप पे हमला किया वो आपसे क्वेश्चन किया था कि वीडियो चला भी, तो किस वीडियो का जिक्र किया था आपको, इसके बारे में थोड़ा सा। मुझे जहाँ तक लग रहा है कि मैंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और कई लोगों के नाम भी लिए थे, तो शायद और तो कोई वीडियो मेरा ऑन वीडियो क्या होगा, तो वो सारे प्रेस कॉन्फ्रेंस रिलेटेड मीडिया रिलेटेड वीडियो मैंने अपलोड किए थे, उसकी बात कर रहा हूँ। वो ऑब्जेक्ट मेरे हाथ में आ गया तो मेरा ये हाथ पूरा कट गया। तो उतनी देर में सामने वाला बाइक वाला चिल्लाया लड़का कि चलो बंगला में चलो। तो ये बोलो होए गए। एंड दे जस्ट वेंट अवे। वो किधर गए, किधर से आए, मुझे कुछ पता नहीं चला। मैं एकदम ब्लीडिंग हो रहा था, तो मैंने सोचा मैं तो अभी मर जाऊंगी, मेरी बेटी इतनी रात में अंधेरे में यहाँ पे, इसको मतलब इसको कुछ ना हो जाए। तो सामने मुझे हाईवे देख रहा था, किसी तरह मैंने गाड़ी हाईवे तक लेके गई। जैसे हाईवे में मैंने हिट किया, देखा राइट हैंड साइड में पुलिस पेट्रोल खड़ी थी, एंड दे हैव बीन वेरी हेल्पफुल। वो लोग दौड़े आए, तो मैंने उनको बताया कि ऐसा ऐसा मेरे पे हमला हुआ है। तो उन्होंने मुझसे पूछा आपका घर कहाँ, मैंने बरसाना में, तो बोले लोगों घर के लोग को बुलाइए। तो मैंने कहा मेरे घर में तो कोई नहीं है। फिर मैंने अपना मोबाइल फेस आईडी से खोल के दिया कि इसमें जो लास्ट नंबर है आप उस पर कॉल कर लीजिए, तो कोई ना कोई होगा। तो लास्ट नंबर मेरे फ्रेंड का ही था, उनको मैंने कंफर्म किया था दैट आई एम कमिंग फॉर डिनर, तो उन्हीं का नंबर था लास्ट नंबर और मेरे वकील का नंबर, तो उन्होंने कॉल किया उनको। सो ही केम रनिंग इमीडिएटली। फिर मेरी बेटी को उन्होंने अपनी कस्टडी में लिया, तो मेरे को हॉस्पिटल लेके गए, मेरा वो सब करवाया, फर्स्ट एड वगैरह करवाया,
और फिर सेकेंड डे मैंने कोई उस टाइम मैं कोई भी स्टेटमेंट देने की हालत में नहीं थी, आई वॉज इन टोटल शॉक। सो सेकेंड डे फिर मेरा FIR गया, पुलिस आई, अभी पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। देखिए मैं ऐसे अभी पहले भी मैंने बहुत खुल के बात की है मीडिया पे, मैंने नाम भी लिए हैं, लेकिन ये अब ऐसा एक अटेम्प्ट टू मर्डर केस है, मेरी आत्मा अलाउ नहीं करती है कि मैं उनका नाम लूं यहाँ पे।